लिविंग बींग्स एंड देयर फूड, जीवधारी और उनके भोजन। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लिविंग बींग्स। भोजन जीवधारियों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आधारभूत आवश्यकता है। फूड सप्लीमेंट्स एनर्जी टू ग्रो, टू डू वर्क एंड टू लिव। भोजन जीने, बढ़ने और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ऑल द लिविंग बींग्स टेक देयर फूड इन डिफरेंट वेज। जितने भी जीवधारी हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार से अपना भोजन लेते हैं या भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। एंड हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, और उनकी फूड हैबिट्स भी अलग अलग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स लिविंग बींग कैन बी क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग फोर क्लासेस। उनके फूड हैबिट्स के आधार पर, जीवधारियों के फूड हैबिट्स के आधार पर हम उन्हें निम्नलिखित चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस मींस होता है मांसाहारी जीव। कार्निवोरस फीड ऑन फ्लैश ओनली। कार्निवोरस मांसाहारी जीव केवल मांस खाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लॉज, टीथ एंड बीक्स और माउथ ऑफ दीज एनिमल्स सूज टू टियर द फ्लैश। इनके हाथ के पंजों, दांत, मुंह और चोंच की संरचना ऐसी बनी होती है जिससे ये मांस को चीर सके। द कार्निवोरस सच एज लॉयन, कैट, वुल्फ, फॉक्स, टाइगर एटीसी हैव लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। मांसाहारी जीव जैसे शेर, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, चीता, इनके दांत लंबे, धारदार और नुकीले होते हैं। दे कैन ऑल्सो च्यू द बोन्स इजली। ये हड्डियों को बहुत आसानी से चबा सकते हैं। दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज एंड शार्प नेल्स। ऐसे जानवरों के मजबूत, इनके ऐसे जानवरों के पंजे के नाखून मजबूत होते हैं और धारदार होते हैं। सम बर्ड्स सच एज वल्चर, हॉक एंड काइट आर ऑल्सो कार्निवोरस। कुछ पक्षी जैसे चील, बाज और गिद्ध, ये भी मांसाहारी जीव होते हैं। सच कार्निवोरस हैव वेरी शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक एंड क्लॉज। ऐसे जो मांसाहारी पक्षी होते हैं उनके बहुत धारदार, मजबूत और हुक्ड बीक और क्लॉज होते हैं। मतलब इनके जो हाथ के पंजे होते हैं उसके नेल्स मजबूत और पंजे खुद भी मजबूत होते हैं, और इनकी जो चोंच होती है मुड़ी हुई होती है, काफ़ी मजबूत होती हैं। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसका क्लॉज है, पंजा है और इसके नेल्स भी मुड़े हुए हैं। दे कैन कैप्चर दियर प्रे एंड टियर इट्स फ्लैश इजिली बाई यूजिंग दियर बीक्स एंड क्लॉज। ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं और उसे अपने चोंच और पंजे की सहायता से उसे फाड़ भी सकते हैं, उसकी मांस को। हर्बीवोरस, ये होते हैं हर्बीवोरस शाकाहारी जीव। हर्बीवोरस फीड ऑन प्लांट एंड ग्रास ओनली। हर्बीवोरस जो जीव होते हैं शाकाहारी जीव, पेड़ पौधे और घास खाते हैं। सच एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ और टू कट देयर फूड इजिली। ऐसे जानवरों के आगे के दांत बहुत धारदार होते हैं अपने भोजन, जिससे ये भोजन, जो इनका भोजन है पेड़ पौधे, उसे आसानी से काट सके। देयर हाइंड टीथ आर ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू च्यू द फूड। इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो चौड़े और मजबूत होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, जिनसे ये अपने भोजन को चबा सकें। काउ, बफेलो, हॉर्स, गोट, एलिफेंट एंड डियर आर हर्बीवोरस एनिमल्स। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हाथी और हिरन, ये शाकाहारी जीव होते हैं। सम हर्बीवोरस लाइक काउ एंड बफेलो फर्स्ट कट एंड स्वेलो दियर फूड एंड देन ब्रिंग इट बैक टू दियर माउथ एंड च्यू इट। कुछ शाकाहारी जीव जैसे गाय, भैंस, ये होते हैं सबसे पहले अपने भोजन को काटते हैं, काटने के बाद में उसे निगल जाते हैं और उसके बाद में निगलने के बाद में फिर से उसे मुंह में लाते हैं और उसे चबाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द फूड टू माउथ एंड च्यू इज इट कॉल्ड रिमिनेशन। और इनके भोजन को फिर से, मतलब निगल कर फिर से मुंह में लेकर आना और चबाना, इस प्रोसेस को इसे कहते हैं रिमिनेशन। रिमिनेशन मीन्स होता है जुगाली करना। जैसे देखा होगा कि कुछ जो पशु होते हैं वो हमेशा मुंह अपना चलाते रहते हैं, और अगर हम देखें उनके सामने कुछ नहीं भी होता है ना, तब भी वो उनका मुंह चलता रहता है, तो उसे कहते हैं जुगाली करना पशुओं का। नेक्स्ट है ओमनीवोरस।
ओमनिवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी जीव. सच एनिमल्स फीड ऑन ग्रास प्लांट एंड फ्लैश. ऐसे जानवर घास खाते हैं, घास पेड़ पौधे और मांस खाते हैं. सो दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स. इसलिए उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं क्योंकि वो सब कुछ खाते हैं. काओ बियर एंड रेट आर ओमनिवोरस. कौवा, भालू और चूहा ये सर्वाहारी जीव होते हैं. इंसेक्टिबोरस ये ऐसे होते जो कीड़े मकोड़े खाते हैं. फ्रॉग्स, स्पाइडर्स एंड सम बर्ड्स आर सच एनिमल्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स ओनली. मेंढक, मकड़ा और कुछ पक्षी ऐसे जानवर होते हैं जो केवल इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े खाते हैं. दे आर कॉल्ड इंसेक्टिबोरस एनिमल. इसलिए उन्हें हम कीड़े मकोड़े खाने वाले जानवर कहते हैं. टंग ऑफ द फ्रॉग इज फिक्स्ड एट फ्रंट एंड फ्री एट द बैक. जैसे हमारे जो इंसानों की जीभ होती है वो पीछे से फिक्स्ड होती है, लेकिन जो मेंढक होता है उसकी जीभ आगे से फिक्स्ड होती है और पीछे से वो फ्री होती है. इट्स टंग इज वेरी स्टिकी. और इसकी टंग जो है बहुत चिपचिपी होती है. व्हेन इट वांट्स टू कैच द प्रे द टंग इज डॉटेड आउट विद अ जर्क एंड द प्रे स्टिक्स ऑन इट. और जब ये अपने भोजन का शिकार करना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है मेंढक, तो इसकी जीभ जो है एक झटके के साथ बाहर आती है और इसका जो शिकार है वो इसकी जीभ पर चिपक जाता है. देन द इंसेक्ट इज पुल्ड इन टू द माउथ. और उसके बाद में मेंढक उसे अपने शिकार को मुंह में ले जाता है. द स्पाइडर ट्रैप्स द इंसेक्ट इन इट्स वेब. स्पाइडर मकड़ा जो होता है, मकड़ा या मकड़ी जो होती है वो अपने जाल में अपने शिकार को फंसाती है. अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो मेंढक है, इसके देखो आगे की जेब फिक्स्ड है और पीछे की जेब ने इसके शिकार को पकड़ा है. ऐसे जो मकड़ा होता है आपने देखा भी होगा, जो घर पर मकड़े या जाले लगते हैं उसमें कोई ना कोई जानवर वो कीड़े फंसे होते हैं, तो वो इसलिए फंसाती है उसे क्योंकि वो उनका भोजन होता है. नेक्स्ट है सम एनिमल्स सक नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स एज देयर फूड. कुछ जानवर या जीव होते हैं जो फूलों के रस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं. Their sucking tube, tongue or beak is long and pointed to help them in sucking the nectar. उनकी जो sucking tube होती है means चूसने वाली जो tube होती है, जीभ होती है, and beak is long. वो लंबी होती है, उनकी चोंच लंबी होती है. एंड पॉइंटेड टू हेल्प देम इन सकिंग द नेक्टर. और ऐसी होती है कि जिससे वो इजिली फूलों के रस को चोंच सकें. द बटरफ्लाई हैज़ ए लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस. द बटरफ्लाई हैज़ ए लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब. जो बटरफ्लाई तितली की जो सकिंग ट्यूब होती है उसे कहते हैं प्रोबोसिस. हनीबी एंड सनबर्ड आल्सो बिलोंग टू दिस क्लास. हनीबी जो होता है मधुमक्खी और जो सनबर्ड होते हैं ये भी इसी श्रेणी में आते हैं. मीन्स ये भी फूलों का रस ग्रहण करते हैं, जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं. क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स स्वेलो देयर प्रे होल. मगरमच्छ और सांप जो ये अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं. देयर जॉ गेट्स ब्रॉड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रे. इनके जो जबड़े होते हैं वो इनके शिकार के हिसाब से फैल जाते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं. क्रोकोडाइल कैन स्वेलो ए स्मॉल पिग होल. मगरमच्छ एक सीधी सुअर के बच्चे को, मतलब स्मॉल पिग छोटी सुअर या फिर सुअर के बच्चे को सीधा निगल सकता है. इन द सेम वे ठीक इसी प्रकार स्नेक एंड पाइथन डू स्वेलो द रेट एंड रैबिट्स होल. इसी प्रकार सांप या अजगर ये चूहे और खरगोश को सीधा निगल सकता है.